हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विभिन्न देशों की राजधानियों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हवाना, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लामाबाद। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी श्री जयवर्धने कोट्टे, ऑप्शन डी बैरूत। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री जयवर्धने कोट्टे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नाउपिताव, ऑप्शन डी हवाना। म्यांमार की राजधानी नाउपिताव है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाउपिताव। नाउपिताव म्यांमार की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चीन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी मास्को। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मालदीव की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्रासिलिया, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी माले। मालदीव की राजधानी माले है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माले। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रूस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी कीव। रूस की राजधानी मास्को है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मास्को। मास्को रूस की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पोर्ट लुई, ऑप्शन बी हवाना, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियाद। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी थिम्पू, ऑप्शन डी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी ब्रासिलिया, ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हनोई। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू। क्यू यूक्रेन की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन,
इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी पोर्ट लुई, संतारा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नूसंतारा। नूसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्रासिलिया, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी रोम। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ब्रासिलिया। ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बेरूत, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी हवाना, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी टोक्यो। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मॉरीशस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन डी पोर्ट लुई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोर्ट लुई। पोर्ट लुई मॉरीशस की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्यूबा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी रोम। क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हवाना। हवाना क्यूबा की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इटली की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हनोई, ऑप्शन डी ओस्लो। इटली की राजधानी रोम है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम। रोम इटली की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी ओटावा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी लंदन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी बेरूत, ऑप्शन डी हनोई। ईरान की राजधानी तेहरान है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बेरूत, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन डी हनोई। जापान की राजधानी टोक्यो है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी ओस्लो। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।